बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 14 मई 2020, 21 रमज़ान, 1441। आज 21 रमज़ान वाले दिन के मैं आपके साथ केस शेयर करूँगा। सऊदी अरब से आज कितने कोरोना वायरस के केस रिकॉर्ड किए गए हैं, कि शहर से कितने केस आए हैं, कितने लोग सेहत याब हुए हैं और कितने लोगों की आज वफात हुई है सऊदी अरब में इस वायरस के सबब। पिछले 2-3 दिन से 1900 से ज़ायद केस रिकॉर्ड किए जा रहे थे सऊदी अरब में, आप सब भाइयों को पता होगा। तो भाई पिछले 2 दिन का हिसाब लगाएं तो 1911 केस रिकॉर्ड किए गए, तो लेकिन सेहत याब होने वालों की तादाद 2520 थी, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा थी। उसके बाद 1905 केस रिकॉर्ड किए गए और सेहत याब होने वालों की तादाद 2365 हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब में पिछले 2 दिन में सेहत याब होने वालों की तादाद केसों से ज़्यादा ही रही है। अगर डिटेल की बात करें आज की तारीख के हिसाब से, तो आज 25% औरतों में, 75% मर्दों में, 11% बच्चों में, 86% बालग हजरात में 18 साल से ज़ायद उम्र के जो अफराद हैं, 3% बूढ़ों में, 41% सऊदी हजरात में और 59% हम गैर मुल्की भाइयों में आज के जो केस रिकॉर्ड किए गए हैं आज के वायरस की, ये डिटेल है। तो अभी आज अपनी अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे आज के केस 2039। जी मेरे भाई, सऊदी अरब में पहले 2000 का फिगर नहीं लगा है, आज 2000 से केस रिकॉर्ड कर गए हैं सऊदी अरब में। हालांकि सऊदी अरब में सुबह 9 से 5 बजे तक ही कर्फ्यू उठाया गया है, बाकी कर्फ्यू ही चल रहा है। तो जद्दा सरफ रस्ताई 482 केस के साथ, रियाज देख रहे हैं 478 केस, मक्का 356 केस। मक्का में आपको मैं बताता चलूं भाई, पूरे शहर में 24 घंटे का ही कर्फ्यू चल रहा है। मदीना देख लें जी 247 केस, अल हफूफ 93 है जी, दमाम 93 है जी, ताइफ 68 है जी, यम्बो 27 है जी, कतीफ 21 है, नीचे वही 5, 7, 10 ऐसे चल रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में। तो टोटल अभी तक सऊदी अरब में हो गए हैं जी 46,869, जिनमें से सेहत याब होने वालों की तादाद 19,051 हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, और इनमें से वफात पाने वालों की तादाद 283 हो चुकी है, जो कि 300 के लगभग पहुंच चुके हैं। तो यहां मैं आपको डिटेल बताता चलूं भाई, आज 10 अफराद की वफात पाए हुई है इस वायरस के सबब, और 1429 अफराद आज सेहत याब हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब में इस वायरस के सबब। तो सेहत याब होने वालों की तादाद 19,000 से तजावज़ कर चुकी है, और केसों की तादाद 47,000 के करीब है, और मरने वालों की तादाद 283, 300 के करीब पहुंच चुकी है।